अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल इशरत फैमिली व्लॉग्स। तो कैसे आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह से आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो हम लोग जा रहे हैं रेडी होके। बैन, ये मेरा स्मार्ट बॉय, बता कैसा रेडी हुआ है? स्मार्ट बॉय रेडी हो गया है। और बैंक के अलावा हमें और जगह और भी जाने, और भी जगह जाने। अभी बैंक आज का पूरा फुल डे ना बहुत बिजी, बहुत ज्यादा। अभी बैंक जाके आएंगे, मैंने वो सेल्फी स्टिक तोड़ दी, वो लेने जाएंगे। फिर मेरे को है ना लाइनर, इधर है लाइनर भी लेना है एक, मेरे पास लाइनर खत्म हो गया मेरा, वो भी लेना है, वो लेने जाएंगे। फिर आने के बाद 3 बजे का शम्स का अपॉइंटमेंट है आई वाले डॉक्टर के पास, तो उधर थाने जाएंगे। फिर उधर से आने के बाद शादी में जाना है हमारे को। गाइस देखो कैसा तोड़ दिया, ये देखो मैंने कैसा तोड़ दिया, ये ना यहाँ से टूटा है। एग्जैक्टली ये गाइस मैंने नहीं तोड़ दिया, वो अपने हाथ टूट गया, मैं सिर्फ ऊपर कर रही थी तो टूट गया। अब इसमें मेरी गलती है नहीं, वो टूटी उसकी गलती है ना। सो आपको मिलते हैं अभी बैंक जाके। बैंक में अगर बैंक पे तो मेरे को नहीं लगता है कुछ करने और शूट करने देते तो मैं नहीं करूँगी शूट। फिर देखते और काका जाएंगे सेल्फी स्टिक लेने, तो जाना ही है। सभी हम निकल गए और अब हम सोचे बैंक जा रहे हैं। हम लोग बैंक जा रहे हैं, साथ पर बैंक जा रहे हैं। और इधर मोबाइल पकड़ना और टेंजर सब क्योंकि यहाँ से कोई भी छीन लेता है मोबाइल गाइस चलते चलते। तो कैसे मेरे बाबू का, मेरे भाई का भी ऐसी हुआ, वो बात कर रहा था फोन पे, उसका छीन लिया गया। न्यू फोन लिया था गाइस, 2 महीना भी नहीं हुआ था उसके फोन को। कौन सा लिया था सर? ओप्पो। ओप्पो नहीं लिया था, वन प्लस नॉट टू नहीं, वन प्लस नॉट सी ई ऐसा कुछ था ना, नॉट टू टी ऐसा कुछ था। कितना 30,000 का फोन लिया था गाइस उसने, 2 महीना भी नहीं हुआ था और उसका मोबाइल छीन लिया। सिर्फ फोन पे बात करते रिक्शा में जाना था डायरेक्ट छीन लिया। हाय शम्स, हाय कर। देखो अभी ये ना, ये मैं इधर स्कूल पढ़ती थी यार काल से घर, कभी कभी तो चलते हुए भी आती थी गाइस। मैं आपको बताएं, बाइक बस नहीं मिलेंगी ना तो मैं चलते हुए आती थी। बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही है, घुमरा भी बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा है। एंड ये बाईपास, नया बाईपास बहुत सही हो गया। अभी हमारी बैंक आ रही है, ये हमारी बैंक है। अभी इधर बाइक पार्क करेंगे और बैंक में जाएंगे। बैंक में अलाउड नहीं है वीडियो निकालना, तो अब नहीं करेंगे। अभी हम लोग बैंक में जाएंगे। बैंक में हम लोग इसलिए आए क्योंकि ना वो अगले पिछले साल है ना, मेरे बैंक से ट्रांजेक्शन्स बहुत हो गए थे कि हम लोग ने घर बेचे थे, तो घर बेचने की वजह से मेरे ही अकाउंट में से ट्रांजेक्शन हो रहे थे। दैट्स व्हाई बैंक वाले बार बार बुला रहे, क्या पता क्यों। हाँ दिमाग ख़राब हो गया गाइस, क्या ये एक बार कर लिए ना हम लोग ने, सब फाइल अपलोड कर दिए थे फिर भी। चलो गाइस देखते हैं हम लोग। काम हो गया, अभी मैं बैंक से बाहर निकली हूँ एंड वो बस कुछ नहीं, बस एक साइन, दो साइन लग रही थी क्योंकि ट्रांजेक्शन हुआ था। तो बस उन लोगों को हेड ऑफिस में भेजना था कि मेरा ट्रांजेक्शन जीनियन है, वो हम लोग ने घर बेचे थे ना, तो पूरा ट्रांजेक्शन पूरे पैसे मेरे इसमें डाले थे, तो दैट्स व्हाई, बस और कुछ नहीं। अभी मैं जा रही हूँ सेल्फी लेने के, सेल्फी स्टिक लेने गाइस। चलो गाइस इधर देखो कितनी सारी फिश है, पेट्रोल पंप पे हम लोग आए, और शम्स बहुत खुश हो गया फिश देखे, उसको बहुत पसंद। क्या पता था इसकी कौन सी फिश है, बता दें। सो गाइस अभी देखो सारी सेल्फी स्टिक देख रहे दुकान से, कहीं नहीं मिली, बहुत ढूंढे, वही नहीं दिए जो पहले लिए थे। यहाँ से ना ये देखो इधर, ये सामने ना कौसा मार्केट है गाइस, और इधर है ना मच्छी मार्केट है आगे एकदम। ये क्या लिया आपने? लाइनर लिया।
नहीं साइड की नहीं उधर है ना इन साइड की है इससे कैसे लग जाएगा क्रैक ही पड़ गया वो मॉइस्चराइजिंग के साथ रहेगी बता अरे लिक्विड नहीं चाहिए मुझे लिपस्टिक में फिर 400 की छोटी है इसको एकदम प्रॉपर मैट नहीं होता तो ईश्वर ने लिया 16 नंबर इनसाइड की लिपस्टिक राइट दिस वन सिंगल वाला नहीं है बास्केट देना मुझे सो गाइस अभी मैं पहुंच गई हूँ अपने बिल्डिंग के नीचे एंड हम जा रहे हैं हमारी बिल्डिंग भी कभी बंद रही दुआ करो जल्दी से बन जाए क्या पता कब बनती है अब हम जाएंगे 10-15 मिनट में नमाज़ पढ़ेंगे एंड फिर वापस निकलना है शास को ठाने लेके गाइस बहुत थक है इतनी धूप है इतनी गर्म हो रहा है ना इतना गर्म मैंने गर्म से सामान भी ले लिया अभी मैं जा रही हूँ वापस थाने शम्स की आई चेकअप कराने के लिए गाइस तो अब मैंने बुर्का भी चेंज कर ली नमाज पढ़ ली सब हो थाने जा रहे हैं देखते अभी क्या होता है उसका आई चेकअप कराते सो गाइस अब हम स्टेशन के करीब है मुमरा स्टेशन के और इधर मोबाइल में एकदम टाइट पकड़ के रखी और ये पुलिस चौकी है हमारी मुमरा पुलिस चौकी इसे देखो माउंटेन हम ब्रिज पे अभी क्या ये स्टार्ट होता है शायद रेती बंदर ना नहीं आ गया आगे मैं आपको रेत बंदर का व्यू बता दूँ रेती बंदर स्टार्ट गाइस इधर देखो सब बैठने आते हैं और हम लोग भी इधर बैठने आते हैं इधर बहुत अच्छा लगता है बैठने का मस्त बैठ के इधर खाने का पीने का हाँ हाँ मेरे को लग रहा है कुछ बंद रहे तो बंद रहने तो फैमिली आती है बहुत अच्छा लगता है नहीं उसका नंबर बहुत है ना एक आइस का -3 है एक आइस का 2.35 ऐसा कुछ है 300 तो फिर अभी मुमरा से 14 किलोमीटर है बेबी केयर अब देखते गाइस अरे देखिए ट्रैफिक में फंस गए तो अभी बेबी केयर के रोड पे ही हम लोग कर
बस पहुंच गए। शम्स 2 साल का था ना जब से इधर आना जाना, कि शम्स को 2 साल की उम्र में चश्मा लग गया था गाइस। से अंदर जाएंगे गाइस। बाल की हालत खराब हो गई थी भाई, हेलमेट बनाना ना इसके लिए। देखते हो बचा के गाइस, हम लोग हॉस्पिटल पहुंच गए और अभी अपॉइंटमेंट के लिए वेट करना पड़ेगा। ये हॉस्पिटल है, शम्स को लगे प्यास। यहाँ पे ईशद वेटिंग पे बैठी, देखो वहाँ पे जोन 2 में। रुक रुक रुक, ठंडा पानी नहीं पीना है आपको। शम्स पानी पी रहा है आपको ना, दिखाओ इधर, प्रेस करो, रखो यहाँ पे, रखो यहाँ पे। हाँ यही यही है, हाँ यही है। आप ग्लास तो पुट करो यहाँ पे, इधर रखना है आपको ये इधर, हाँ। एंड देन आपको प्रेस करना है, प्रेस करो शम्स। बस 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 बस, इनफ। ये बेबी केयर हॉस्पिटल है, तो यहाँ पे हम लोग लाते हैं शम्स को। उनके डॉक्टर का नाम है, शम्स के डॉक्टर का नाम है चंद्रशेखर काले। शम्स एकदम एग्जॉस्ट हो चुका है बिकॉज काफ़ी धूप थी बाहर। बाइक से आए ना हम लोग, डिस्पोज कर दिया ग्लास। देना भी वेट, देना भी चलते जाओ शम्स, वेट करो वहाँ पे जोन 2 में। जाओ इशू आगे बैठे जाओ, शम्स चाह रहे हैं। और जोन 3 वहाँ, शम्स का स्पेक्स ले लिए अंदर। वहाँ पे शम्स की टेस्टिंग हो चुकी है, स्क्रीनिंग हो चुकी है जो फर्स्ट होता है। क्या बोल रहे हो? विदाउट स्पेक्स उसको दिखता ही नहीं है। शम्स की हाई टेस्टिंग हो रही है गाइस। सामने मिरर दिख रहा है, मिरर में क्या लिखा है? तो सामने मिरर दिख रहा है आपको, उसमें क्या लिखा है? स्टार्ट में क्या लिखा है शम्स? हाँ हाँ गुड। उसके आगे उसके आगे क्या लिखा है? हिंदी पढ़ लेते हैं? नहीं हिंदी नहीं। 1 2 3 4 ओके बंद करो। अब बताओ। उसके नीचे शम्स रीड करो, क्या है वो? हाँ ओके। उसके आगे टू, टू बराबर पढ़ा उसने, टू है। एंड देन टू के बाद, टू के बाद क्या लिखा है? ये नहीं पढ़ पा रहा, उसको नहीं दिख रहा शायद से। बीच वाली लाइन गाइस, अभी हॉस्पिटल से निकल चुके हैं हम लोग और थोड़ा है टेंशन, लेकिन चलो ऊपर नीचे होते रहता है। अब हम जा रहे हैं मैकडी, वो मैं घर पे जाके बताती हूँ डॉक्टर ने क्या बोले, अभी नहीं घर पे आके अच्छे से बताती हूँ। अभी हम जा रहे हैं मैकडी में थोड़ा सा टेंशन फ्री होने के लिए, थोड़ा टेंशन हो गया कुछ नहीं गाइस, देखते क्या होता है। सो गाइस अभी मैकडी आ गया, ये ठाणे का काका माझीवाड़ा, माझीवाड़ा हाईवे का मैकडी है गाइस। देखिए गाइस अभी हम अंदर जाते हैं। देखो
देखो अभी इधर से देखो शम्स अभी बैठ गया है एंड वो वेट कर रहा है, बेचारा बहुत वेट कर रहा है, उसको भूख लगी, उसने आज खाना भी नहीं खाया है। से यहाँ पे बैठा अर्शद, ये बाहर का लोकेशन। हमारा आगे क्या ऑर्डर किया, एक 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 चीज चिकन चीज लावा बर्गर है ना, इंडियन ये कोक है, वो ब्लैक इसमें आता है साजी, हां चेंज होता रहता है ना पैकेजिंग, ये फ्राइज है यहां, फ्राइज कोक और एक बिग कोक आ रहा है गाइस। सो ये फ्राइज है नहीं है, नगेट्स है। सो अभी इसे ओपन कर जाओ। इधर मैंने मंगाई चिकन अमेरिकन चीज चिकन लावा बर्गर, बहुत यम लग रहा है। इधर कोक भी आ गया गाइस, इट्स दिस इज माय, ये मेरा, ये आपका है, इट्स योर। देखो क्या बोल रहे स्टॉल, ये शम्स का नगेट्स है, आलू टिक्की है, ये मेरा बिग कोक है, ये स्मॉल कोक है, एंड देन मैं आलू टिक्की शम्स ले रहा है यहाँ पे। ये चिकन महाराजा बर्गर है, सॉरी चिकन अमेरिकन चीज लावा बर्गर, इसमें दो पेटीज रहती है यहाँ पे। अब देखिए ये शायद से चीज की पेटी है, नहीं ये चिकन की पेटी। गाइस मेरा मेक आलू टिक्की और एक आ रहा है, एंड देन कोक भी आ रहा है। ये देखो अपना छोड़ के मेरे इसमें से पी रहा है गाइस, शम्स देखो खुद का कोक छोड़ के इधर से पी रहा है, इशद के इसमें से। मेरा तो अभी बिक तोला। आपको कैसा लगा कोक, कैसा लगा, टेस्टी है? हम लोग का हो गया, अब मैं कोक पी रही हूँ थोड़ा ही, प्लीज हो गया खाना पाने। अभी साजिद ने गलती से और एक ऑर्डर कर दिया गाइस, अब देखते हुआ आता है या उसकी जगह पे फ्राइज आते हैं, बोले तो अब फ्राइज फाइनली फ्राइज आ गया, एक्सचेंज करके दे दिए गाइस। मुझे लगा था नहीं करेगा, बिकॉज मैंने ना ये मशीन से ऑर्डर किया था, मतलब काउंटर पे जाके इनके ऑर्डर नहीं किया था, वहाँ पे एक मशीन लगी थी वहाँ पे आप ऑर्डर कर सकते हो, बट इन्होंने चेंज कर दिया, सो थैंक यू फॉर डेट। देखो नया मेन्यू आया है, नया नहीं शायद से पुराना ही मेन्यू है ये, स्वीट ट्रीट्स भी है। गाइस शम्स भाग रहा है, भाग रहा है, और अभी कहाँ गया है क्या पता। और ये हमने अभी ऑर्डर किए है चॉकलेट मिल्क शेक, जो कि अभी आने वाला है, आता है तो बताती है, देखो क्या कर रहा है। हमारा चॉकलेट मिल्क शेक आ गया, शम्स पी, और ये उस पर भी चांस मार रहा है। देखो गाइस इसने क्या लाया, देखो पार्टी रूम का बलून उठा के लाया गाइस, लाइट करने जा रहा है शम्स। बलून भी मिला उसे, यहाँ से जाएगा, फिर वो गया वो अंदर, एंड वो यहाँ से बाहर आएगा। प्लेग्राउंड बनाया मैंने छोटा सा, यहाँ पे भी देख सकते हैं बच्चे के लिए प्लेग्राउंड है, देखो वो आ गया। ये बलून लेके चल रहा है, साइड हो जा, देखिए यहाँ पे टेक आउट के लिए कार आई है, टेक आउट आप बाहर से भी ले सकते हो, काफ़ी अच्छा और लुक यहाँ पे मैकडोनल्ड्स का, वहाँ पे काउंटर है टेक आउट के लिए। मेरी बाइक है वहाँ पे, हम लोग जा रहे हैं घर पे। और ये शर्ट चल रही है आगे, जैसे मैंने बोला वहाँ पे टेक आउट है, देखिए आप वहाँ से बाहर से ही ऑर्डर कर सकते हो, बाहर से आपका जो भी कुरियर है वो ले, मतलब आपका जो भी मिल है वो सब ले सकते हैं।